अथर्ववेद श्वासा आदि रोग निवारण सूक्त। ऋषि ही भृगवंगीरा देवता यक्ष्मनाशनम। वायु और मेघ से प्रकट होकर मेघों के आवरण से प्रथम बाहर निकला हुआ तेजस्वी सूर्य वृष्टि और मेघ गर्जना के साथ आ रहा है। वह अपनी गति से दोषों अथवा रंगों को दूर करता हुआ हमारे शरीरों को भी निरोगता बढ़ाता है और हमें सुख देता है। वह सूर्य का ही एक ही तेज तीन प्रकार से कार्य करता है। वह शरीर के प्रत्येक अंग में अपने तेज के अंश से रहता है। उसका महत्व जानकर हम हवन द्वारा उसका सत्कार करते हैं। जो मनुष्य के हर एक जोड़ में रहता है उसके प्रत्येक चिन्ह का भी हवन द्वारा हम सत्कार करते हैं। उसकी सहायता से सिर दर्द हटाओ, खांसी हटाओ, जोड़ के अंदर की पीड़ा हटाओ। जो रोग मेघों की वृष्टि से अर्थात कफ से, वायु के प्रकोप से अर्थात वात से और गर्मी के कारण अर्थात पित्त से होते हैं उनको भी हटाओ। इसके लिए वनस्पतियों और पर्वतों का सेवन करें। इससे मेरे उत्तम अंग साधारण अंग तथा मेरे चारों अंग अर्थात मेरा सब शरीर निरोग होवे। यह भावार्थ मंत्रों के अर्थों के अनुसंधान से पाठक करेंगे पढ़ेंगे तो उनके ध्यान में सुक्त का तात्पर्य आ जाएगा, क्योंकि यह सुक्त सरल और सुगम ही है। तथापि पाठकों के विशेष बोध के लिए यह विशेष बातों का स्पष्टीकरण किया जाता है। यह तक्मनाशन गण का सुक्त है अर्थात रोगादि नाशक भाव इसमें है। महत्वपूर्ण रूपक। सबसे पहले प्रथम मंत्र में वर्णित महत्वपूर्ण रूपक विचार करने योग्य है। पूर्व सुक्त में जरायुजः दशमासयः पुत्रः जेरी से वेष्टित उत्पन्न होने वाले 10 मास तक गर्भ में रहने वाले पुत्र का वर्णन है। उसके साथ इस सुक्त का संबंध बताने के लिए इस सुक्त के प्रारंभ में ही जरायुजः प्रथमः ये शब्द आ गए हैं। यहाँ सुपुत्र का वर्णन बड़े महत्वपूर्ण रूपक से किया है। इस रूपक में सूर्य ही पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र होने का वर्णन वेद में अनेक स्थान में आ गया है। यहाँ का यह वर्णन समझ में आने के लिए कुछ निसर्ग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बरसात के दिनों में जब कई दिन आकाश मेघों से आच्छादित होता है और सूर्य दर्शन नहीं होता, वृष्टि होती है, वायु चलता है, बिजली चलती है तथा कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी वायु चलने से बीच का आकाश मेघ रहित हो जाता है और स्वच्छ सूर्य मंडल दिखाई देता है, मानो यही पुत्र दर्शन है। पुत्र जन्म के समय में भी प्रसूति होते ही गर्भ के ऊपर जेरी आदि का विष्टन होता है और जल आदि प्रवाह प्रसूति के समय होते हैं। यह सब मानो सूर्य पर वेष्टित मेघ और उनकी वृष्टि है। इस प्रकार इस उपमा में साम्य देख सकते हैं। बहुत दिनों तक मेघाच्छादित आकाश के पश्चात जब सूर्य दर्शन होता है, हवा साफ हो जाती है, तब मनुष्यों को अत्यंत अनुभव होता है, आनंद होता है। मनुष्य प्रसन्न चित्त से उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार जब गर्भिणी स्त्री को पुत्र प्रसव होता है, उस पर की जेरी अलग की जाती है, उसको स्वच्छ किया जाता है, तब उसका मुख रूपी सूर्य देखकर जो आनंद माता के हृदय में चमक उठता है, उसका वर्णन क्या कभी शब्दों से होना संभव है। माता का आनंद इन्हीं शब्दों से व्यक्त हो सकता है कि यह पुत्र घर का सूर्य है, यह माता के हृदय की ज्योति है, यही माता की आंखों का प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य अंधेरा हटाता है, उसी प्रकार पुत्र घर को, कुल को और जाति को उज्जवल बनाता है। इस प्रकार बालक के मुख की रोशनी का वर्णन माता अपने शब्द रहित भावों से ही कर सकती है। पाठक अपने काव्यमय आंख खोलकर ही इसको पढ़कर समझने का यत्न करें। परंतु यहाँ नूतनोत्पन्न बालक का वर्णन नहीं करना नहीं है, किंतु जीवनदाता सूर्य का ही वर्णन अर्थात सूर्य के जीवन पोषक रश्मि रसायन का वर्णन करना है।
वह करने का प्रस्ताव इस प्रकार इस सूक्त के प्रारंभ से किया गया है और इस प्रस्ताव से पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त का संबंध जोड़ दिया गया है। प्रायः प्राकृति के समय तथा पश्चात स्त्रियों में अशक्तता आ जाती है और नाना रोगों की संभावना उत्पन्न होती है, इसीलिए इस कष्ट को दूर करना सुगमता से किस रीति से साध्य होता है यही बताना सूक्त का मुख्यतया विषय है। मानो इस मिश से आरोग्य का विषय इस सूक्त में प्रदर्शित किया गया है। आरोग्य का दाता सूर्य ही आरोग्य का दाता है, यह बात इस सूक्त के प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में स्पष्ट कही गई है। वह सूर्य हमारे शरीरों को आरोग्य देते हैं, सीधा जाने वाला दोषों को नाश करने के इस मंत्र भाग का स्पष्ट आशय यह है कि वह सूर्य दोषों को दूर करता है और आरोग्य बढ़ाता है। यदि यह सत्य है तो यह भी ठीक सत्य है कि सूर्य प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ ठीक आरोग्य रहना संभव ही नहीं है। इस आरोग्य के वैदिक नियम को ध्यान में रखकर आप अपने घरों का और प्रसूति के कमरे का विचार कीजिए। आरोग्य दाता सूर्य प्रकाश हमारे कमरों में कितना आता है, प्रसूति के स्थान में भी विपुल प्रकाश आना चाहिए, तभी माता और नूतन बालक का उत्तम स्वास्थ्य रह सकता है। घरों के कमरों में विपुल प्रकाश आता रहेगा तो घर वालों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस प्रकार वेद कहता है कि सूर्य प्रकाश सबके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पाठक अपने अपने व्यवहार में इस ज्ञान का उपयोग करें। प्रथम मंत्र का अंतिम कथन है कि एक ही शक्ति तीन प्रकार से प्रकाशित हो रही है, यह बात कई स्थानों में सत्य है। सूर्य का ही तेज धूलोक में सूर्य प्रकाश से, अंतरिक्ष में विद्युत रूप से और भूलोक में अग्नि के रूप से प्रकाशित हो रहा है। यही बात शरीर में देखिए, मस्तिष्क में मज्जा रूप में, हृदय में पाचन शक्ति के रूप में और सब शरीर में उष्णता के रूप में सूर्य का तेज प्रकाशता है और विविध कार्य करता है। आरोग्य का विचार करने के समय इस बात का अवश्य विचार करना चाहिए। सूर्य प्रकाश से इन तीनों शारीरिक स्थानों में योग्य परिणाम होकर शरीर का आरोग्य होता है, बुद्धि का तेज बल बढ़ता है और सुख की वृद्धि होती है। यह संक्षेप से सूर्य का हमारे आरोग्य से संबंध पाठक विचार करें और अधिक ज्ञान प्राप्त करें। इस रीति से प्रथम मंत्र में आरोग्य का मूल मंत्र बताया है और उपमा में यह भी कहा है कि जिस प्रकार घर में बालक रूपी सूर्य का उदय होता है उसी प्रकार विश्व में दिवस पुत्र सूर्य का उदय होता है। घर छोटा विश्व है तथा विश्व ही बड़ा घर है, इसीलिए इस घर के सूर्य का और विश्व के सूर्य का संबंध देखना चाहिए। आरोग्य के लिए तो इस घर के सूर्य का विश्व के साथ संबंध करना चाहिए, अर्थात जहाँ तक हो सके वहाँ तक बालक को घर में बंद ना रखते हुए विश्व सूर्य के खुले प्रकाश में शनेह शनेह लाने का यत्न करना चाहिए, जिससे घर का सूर्य भी निरोग और बलवान बन सके। सूर्य किरणों से चिकित्सा आगे द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि अंगे अंगे शौचिशा शिश्रायणाम, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग में तेज के अंश से यह सूर्य रहता है, उनको नमन करना चाहिए अर्थात उनका आदर करना चाहिए। सूर्य के तेज से अपने तेज को बढ़ाना चाहिए। जो लोग घर के अंधेरे कमरे में अपने आप को बंद रखते हैं वे निस्तेज रहते हैं, परंतु जो खुली हवा में घूमते हुए सूर्य प्रकाश से अपना तेज बढ़ाते हैं वे तेजस्वी हो जाते हैं। शरीर के प्रत्येक जोड़ में यह अंश रहता है, इस सूर्य के अंश ने इस स्थान पर अपना अधिकार जमाया है। हर एक अवयव में इसके चिन्हों को पहचानना चाहिए और मिले जुले चिन्हों को भी पहचानना चाहिए। जैसा आँख में तेज रूप से सूर्य का निवास है, अन्य स्थानों में अन्य अंशों से है, यह सब जानना चाहिए और जिस स्थान में अनारोग्य या बीमारी हुई हो उस स्थान का आरोग्य सूर्य
प्रकाशक उचित रीति से प्रयोग करके प्राप्त करना चाहिए। सवेरे के मंद सूर्य के प्रकाश में खुली आंख से सूर्य बिंब देखते रहने से प्रायः नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। विशेष नेत्र रोग के लिए विशेष युक्ति से सूर्य किरण का प्रयोग करना चाहिए। विशेष अंग के लिए भी विशेष युक्ति से ही सूर्य किरण का प्रयोग करना चाहिए। साधारण आरोग्य के लिए वह विशेष अवयव सूर्य किरणों में तपाने से भी बहुत सा कार्य हो जाता है। इस युक्ति से केवल सूर्य किरण चिकित्सा से बहुत से रोग दूर करना असंभव नहीं है, अर्थात संभव है। यदि सहन हो सके तो इतने उष्ण सूर्य प्रकाश में नंगा शरीर कुछ देर तक तपाया जाए तो भी सर्वसाधारण शरीर की निरोगता बढ़ती है। शीतकाल में यह करना उत्तम है, परंतु गर्मी के दिनों और उष्ण देशों में विचार से और युक्तियों से ही इसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आरोग्य के स्थान पर अनारोग्य भी होगा। इसीलिए यह सब अन्याय युक्ति से ही बढ़ाना चाहिए। तृतीय मंत्र में सिरदर्द, खांसी, संधिस्थान के रोग उक्त प्रकार हटाने की सूचना दी है। वात पित्त कफ के प्रकोप के कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्य रोग भी उसी युक्ति से दूर करने की सूचना तृतीय मंत्र में है। तथा पर्वतों पर रहकर उचित वनौषधियों का सेवन करना भी उपदेश इसी मंत्र में है। वनौषधियों का सेवन दो प्रकार से होता है, एक वृक्षादिकों के नीचे रहना और दूसरा योग्य औषधियों के रसादि का उपयोग करना। पर्वतों के उच्च शिखरों पर निवास और वृक्षों के नीचे बैठना उठना बड़ा आरोग्यदायक है। यह बातें हमने कई रोगियों पर युक्ति से अजमाई है और हमारे अनुभव से बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। पाठक भी इससे लाभ उठावे। चतुर्थ मंत्र में सिर आदि उत्तमांग तथा पांव आदि अधरांग तात्पर्य सब शरीर का स्वास्थ्य पूर्वोक्त रीति से प्राप्त करने की सूचना प्रार्थना मंत्र द्वारा दी गई है। सर्वसाधारण उपाय, इस सूक्त से सर्वसाधारण के लिए भी बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात यह है कि जो नंगे शरीर सूर्य के किरणों में घूमते हैं, अर्थात अपने शरीर को सूर्य किरणों से तपाते हैं, उनको चर्म रोग, खांसी, दमा तथा क्षय आदि रोग होते ही नहीं। ये सब रोग उनको होते हैं कि जो नंगे शरीर पर सूर्य किरण नहीं लेते, अर्थात सदा वस्त्रों से वेष्टित होकर तंग मकानों में बैठते हैं। जो इससे बोध लेंगे वे इस सूक्त से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वेद में इसीलिए घर का नाम ही क्षय आता है। यदि पाठक अपने घर को क्षय का कारण समझेंगे तो वे उससे बाहर अधिक देर तक रहेंगे और सूर्य किरण से मिलने वाला आरोग्य प्राप्त कर सकेंगे।